ये देखिए इस घर की महारानी पद्मावती किस तरह से सो रही हैं, बड़े ही ध्यान से सोई जा रही हैं और कितनी सुंदर लग रही हैं अपने सज्जा सिंगार के साथ फूल लगा के कितने प्यार से सो रही हैं सुंदरता की देवी हमारी प्यारी माइलो देवी और इन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा ऐसा ऐसा लग रहा है ना कि फ़ोटो है फ़ोटो नहीं वीडियो ही है ये देखो और ये हमारे दूसरे जो ये यहाँ पे छुप के सो रहे हैं मैं एक्चुअली मंडाला बना रही थी तो ये यहाँ पे आ, मेरे टेबल के नीचे आके सो जाता है हमेशा और ऐसे स्क्रैच करवाता रहता है ये देखो ये यहाँ पे इसी दिख रहा है ये इनको इनको बड़ी नींद आती है बड़ी नींद आती है इनको ये यहीं पे सोए रहते हैं दिन भर मेरे पास आके और ये देखो मेरा फ्लावर कैसा लग रहा है और ये चॉकलेट्स जो मैं के लिए नहीं खाने वाली चिंता मत करो और ये देखो इन्हीं को देखते हैं यही तो है चाम हमारे ये देखो कितना क्यूटली सो रहा है कितना क्यूट है ना मैं क्या करूँ मैं कैसे अपने सारे काम करूँ मैं सारा दिन तो इन्हीं में बीत जाता है इसको देखो इसको मैंने इतने देर से ना ये पहना के रखा है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ये ऐसा क्या ऐसा ही सो रहा है मतलब एक बार इसने रजिस्ट भी नहीं करा कि मत पहनाओ मुझे क्यूटी पाई ये देखो ये सो रहा है माइलो, और ये मैंने अपना जो ज्वेलरी है वो इसके ऊपर रखा कितने अच्छे से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर मैं शीरो पे अभी ये सेम चीज़ करती ना तो वो उठ के भाग चुका होता बट इसको देखो सोने में इतना मगन है इसको पता ही नहीं चल रहा मैं इसको एक्चुअली प्रिंसेस बनाने की कोशिश कर रही हूँ इस वक्त कि देखो ये फ्लावर भी लगाया मैंने इसके सर पे कितना क्यूट लग रहा है ये <laughs> और इसको कोई कुछ भी नहीं पता चल रहा एक और फ्लावर और इसको देखो बस थोड़ा सा पैर मारा इसमें ओ, फ्लावर गिर गया और ये इसका फुट मसाज ये बीन्स मसाज इसके पैर पे जो बीन्स है ना छोटे छोटे पिंक पिंक फर्क नहीं पड़ रहा देखो उसे ये देखो बस थोड़ा सा पैर हिला रहे हैं ओहो ओहो तो देखो जरा इनकी और ये हम भाई दीदी दे देखो दे दे दे, हमारे माशे ये सो रहे हैं इस कंघे का इन्होंने इतना बुरा हाल किया है एक्चुअली इससे मैं इनकी ब्रशिंग करती हूं उसको चबा चबा के इन्होंने इनकी जान ले ली है देखा 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 मैंने बोला था ना इस मैं ज़रा से इसको करूँगी ना टच ये देखो ये इसने खाने की कोशिश की मेरी ज्वेलरी को अभी देखो वापस पहनाती हूँ मैं इसको ये देखो इसलिए इस इसलिए मैं इसके साथ कोई ज्वेलरी नहीं पहना पाती इसको हाँ बस इनको मसाज दे दो और सुला दो बस देखो मस्त हो गए इनके बीन्स देखो इनके पैर के बीन्स कितने प्यारे प्यारे हैं पिंक कलर के और ये एल्युमिनियम फॉइल देख रहे हो आप ये ये इससे खेलना बहुत पसंद है इसको जितने भी फॉइल आते हैं ना घर में ये पीछे पड़ा रहता है खेलने के लिए और ये ब्रश एक्चुअली इनकी मम्मा जब भी छोटे होते हैं तो इनकी मम्मा इनको चाटती है ना तो अगर आप ऐसा ब्रश ये साफ्ट नया ब्रश है थोड़ा सा इसको गीला करके इनको प्यार करो तो इनको ऐसा ही लगता है कि इनकी मम्मा इनको चाट रही है क्योंकि इनके आप अगर जीप देखोगे कैट्स के तो उस पर वो ऐसे मतलब क्या बोलो मैं आप इनके देखना वो थोड़े से आ, मतलब ब्रश टाइप के ही होते हैं ताकि ये अच्छे से चाट सके अपने आप को साफ कर सके तो इन्हें वैसा ही फील आता है लेकिन ये तो देखो ज़रा इसको इसको उसको ये ब्रश को भी छोड़ेगा नहीं इसको भी काट के ही मानेगा Enjoy. इतना अच्छा लग रहा है इसको कि माइलो को भी किया मैंने माइलो का कोई रिएक्शन नहीं है माइलो सोने में बिजी है माइलो के पूछ पे भी कर रही हूँ मैं बट मैलो का नो रिएक्शन एट ऑल और ये आप देख रहे हो जिसपे सो रहा है ना ये हॉट बैग है मेरा इसको मैं यूज़ करती हूँ जब भी पेन वगैरह कहीं होता है तो इसे गर्म करके आ, उस पर उस एरिया पे लगा लेती हूँ तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है तो मैंने थोड़ा सा हॉट बैग अपने लिए गर्म करके रखा था तो इसने आ, उसको धक्के बना के उस पर सो गया वो गर्म गर्म उसको अच्छा लग रहा था सोने में और देखो कितनी क्यूटली देख रहा है मेरी तरफ क्यूट है ना बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्यूट है एक्चुअली और ये इनको फेवरेट एरिया होता है यहाँ पे इनको बहुत पसंद होता है इस तरह से हल्का हल्का मसाज या फिर ब्रश से ओ मेरा प्यारा बेटा कुछ भी नहीं कोई रिएक्शन नहीं क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है इन्हें गे लो वापस से फूल लगा देते कोई रिएक्शन नहीं दे रहा ये तो <laughs> लगता है इसको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ये देखो इसके मुंह पे भी किया मैंने इसके बॉडी पे इसे बहुत पसंद है ब्रश ये जब छोटा था ना तो भी मैं इसको ब्रश बहुत करती थी ये देखो इस स्पेशली इस, इस पॉइंट पे ना कैट्स को बहुत पसंद होता है क्योंकि जब भी छोटे होते हैं ना तो इनकी मम्मा इस एरिया पे चाटती है इनको टेल वाले यहाँ से टेल स्टार्ट होता है इस वजह से कैट्स को बहुत पसंद होता है इस एरिया पे स्क्रैच करना या फिर इस तरह से से अब कोई कोई कैट्स को नहीं भी पसंद हो सकता क्योंकि सारी कैट्स जो है ना उनकी पर्सनैलिटी बहुत अलग होती है मुझे भी लगता था ये सब कैट्स एक जैसी होती लेकिन मैंने बहुत सारे कैट्स देखे हैं सबकी पर्सनालिटी एकदम अलग होती है एक दूसरे से और इनके शौक़ भी अलग अलग होते हैं खाने पीने की चीज़ों के जैसे इसको अम, दाल बाटी वगैरह और बेसन का लड्डू और क्या क्या चीज़ें क्या क्या बताऊँ मैं इस तरह की चीज़ें खाना पसंद है ऐसे ही रियो जो है उसको मेथी खाना पसंद है शीरो को वो एपिगामिया योगर्ट आता है वो खाना पसंद है दही बहुत खाता है इसे दही नहीं पसंद बिल्कुल नहीं पसंद इसे वो कोकोनट ऑयल होता है ना कोकोनट ऑयल चाटना पसंद है और टूथपेस्ट टूथपेस्ट टूथ सूंघ टूथ के आ जाता है ये स्पेशली कभी मैंने टूथपेस्ट टूथ ख़त्म हो गया था तो वो डाबर रेड आता है ना डाबर रेड सूं सु, सु, के तो पागल ही हो गया ये बाथरूम में गिरा हुआ चाट रहा था ये देखो मैं ये इसको इतना अच्छा लग रहा है ये अपने पूँछ हिला रहा है ज़ोर ज़ोर से प्यारी पूछ के साथ साथ कमेंट करते हैं ब्लॉग का ये है माइलो शीरो माइलो शीरो ब्रदर ओके बाय बाय